वेलकम बैक टू शिमला स्टाइल। कैसे हैं आप सब? तो आज मैं आपके लिए क्रीम लेके आई हूँ जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। पर्सनली इसको खुद मैं डेली बेसिस पे यूज़ करती हूँ और उससे आपका कलर भी ब्राइट होता है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपका कलर 7 डेज में ब्राइट हो जाएगा या 12 डेज में ब्राइट हो जाएगा, बट फिर भी आप इसको यूज़ करते रहेंगे बट आपको रिजल्ट ज़रूर मिलेंगे। और जैसे भी जिसकी स्किन ना थोड़ी सी ड्राई होती है तो वो भी इसको यूज़ कर सकते हैं। स्पेशली ये ड्राई स्किन वालों के लिए ज़्यादा है। एक्चुअली मेरी भी स्किन ड्राई है, इस वजह से मैं भी यूज़ करती हूँ। तो फ्रेंड्स, ये जो क्रीम है ना वो आपके स्किन को बहुत ज़्यादा ग्लोइंग बनाएगी और आपके स्किन को वाइट करने में हेल्प करेगी कि आपका स्किन का जो कलर होगा वो मतलब टाइम से आपका थोड़ा बहुत ब्राइट हो जाएगा। और ये आपके स्किन को बहुत ज़्यादा ग्लोइंग बनाएगी क्रीम। और आपको इसके अलावा कुछ भी यूज़ करने की जरूरत नहीं है। और पर आपको मैं जिस प्रोडक्ट के बारे में बताना चाह रही हूँ ना, आपको वो बायोटिक का प्रोडक्ट है। मीन्स बहुत ही नेचुरल सा प्रोडक्ट है। मुझे बायोटिक के सारे प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे लगते हैं। लास्ट टाइम मैंने आपको एक टोनर ऐसे कुछ मैंने आपको रिव्यू भी कराया था। आप देखिएगा मेरी वीडियोज़ पे, चेक करिएगा कि हाँ, मॉर्निंग नेक्टर के बारे में मैंने आपको बताया था। तो जस्ट ये मॉर्निंग नेक्टर आप मतलब मॉर्निंग में फेस वॉश करने के बाद आप उसको यूज़ करिए। और जो ये क्रीम मैं आपको बता रही हूँ तो वो आपको डेली बेसिस में आप जैसे बाहर भी जा रहे हैं या नॉर्मली घर पे बैठे हैं कुछ भी है या आप नॉर्मली कहीं पे भी जा रहे हैं, मार्केट जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, आप उसको यूज़ कर सकते हो। बहुत ज़्यादा अच्छी है, एकदम लाइट वेट है, कोई फाउंडेशन कुछ भी नहीं है उसमें, नॉर्मल सी क्रीम है वो। और आपको अपना फेस को वॉश करना है जस्ट, उसके बाद आपको कुछ भी अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। आप इस क्रीम को अप्लाई करिए और आपकी स्किन को बहुत ही ज़्यादा मॉइस्चराइजिंग बनाएगी ये। तो फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं वो क्रीम कौन सी है। तो ये है क्रीम, ये फोकस किया, तो ये वो क्रीम है। तो ये है बायोटिक एडवांस आयुर्वेदा बायो कोकोनट वाइटनिंग ब्राइटनिंग क्रीम। तो आपने देखी, इसमें देख के समझ गए होंगे कि मैं इस क्रीम के बारे में बता रही हूँ आपको। ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी क्रीम है और ये कोकोनट से बनी हुई है। जितने भी इसमें इंग्रेडिएंट्स होते हैं ना, ये सब नेचुरल होते हैं, कुछ भी हार्मफुल नहीं होता है कि आपके स्किन को कुछ भी करेगा, आपके पिंपल आ जाएंगे या कुछ भी हो जाएगा स्किन में, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। आपने अभी तक देखा होगा मेरे फेस पे एक भी पिंपल नहीं है और ना ही कभी लाइफ में हुआ है, क्योंकि मैं ऐसी चीज़ यूज़ नहीं करती हूँ। और अगर फाउंडेशन अगर आप यूज़ करते हो तो आप कभी पार्टी फंक्शन में कभी कहीं जा रहे हो तो आप यूज़ करो, बाकी मैं ना ही कोई क्रीम ना ही कोई फाउंडेशन कुछ भी नहीं यूज़ करती हूँ, ओनली ये लाइट सा ये जे कोकोनट। और मैं ना अभी लास्ट 2 मंथ से ही इसको यूज़ कर रही हूँ, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आप लोग के साथ भी इसको शेयर करती हूँ। बहुत ही ज़्यादा अच्छी क्रीम है और मतलब जो मेरी जैसे कि स्किन ड्राई है ना, तो ड्राई की वजह से फाइन लाइंस टाइप कुछ हो जाती है, मीन्स लाइंस या स्किन फटी फटी सी लगने लगती है। तो आप लोग ड्राई स्किन वाले जो होंगे वो समझ गए होंगे कि मैं किस चीज़ के बारे में बात कर रही हूँ। तो आप इसको ज़रूर ट्राई करिए और मैं आपको इसको थोड़ा सा हाथ पर लगा के बताती हूँ, ठीक है? एक्चुअली मैंने इसको ख़त्म कर लिया है काफ़ी हद तक। आप इसको बहुत ही थोड़ी सी क्वांटिटी में लीजिएगा और ये काफ़ी हो जाता है। शाइनी दिख रहा है ना, यहाँ से देखिए हल्का सा ब्राइटर और शाइनी दिख रहा है आपको यहाँ पर। सीरियसली गाइज, ये मुझे पर्सनली बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी, बहुत ही ज़्यादा मॉइस्चराइज़र है इसमें। मीन्स आपकी स्किन को बहुत ही जल्दी से मॉइस्चराइज़ करेगी, देख सकते हैं आप, मुझे बहुत पसंद है। और जिसको भी अगर ये मेरा वीडियो पसंद आया ना तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर देना और मेरी वीडियो को प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर करना मेरे को। ओके, सो बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।